हैगे स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में फ्रेश बताने वाला हूँ आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर कैसे करेंगे, रजिस्टर करके इसको कैसे यूज करना आज के इस वीडियो में फ्रेश बताने वाला हूँ। कंटिन्यू जो देखिए सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करिए, मिलेगी ऑप्शन आपको प्ले स्टोर से ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को जैसे ही ओपन करेंगे इसमें आपको यहाँ पर टाइप करना है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग आपको लिखते हैं सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन वहाँ पे आपको आ जाएगा। देखिए पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा, चलिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे आपके पास इस तरह का यहाँ आपको परमिशन आएगा, आपको यहाँ पे अलाउ दे देना है। अलाउ देने के बाद फिर से आपके पास यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना, फिर से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ से अलाउ जैसे ही करेंगे देखिए आपको अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन योर अकाउंट न्यू, यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर पहले से आपने अकाउंट आपने खुला लिया है तो यहाँ पर आपको लॉगिन न्यू पे क्लिक करना है। लॉगिन न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, कस्टमर आईडी डालना है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये पूरा चीज़ डालकर आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ से मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एम पिन डालना है, एम पिन आपको वही डालना है जो आपको जब भी नेक्स्ट आप लॉगिन करेंगे आपको यही एम पिन वहाँ पे आपको मांगा जाएगा। जो एम पिन आप ऊपर डालेंगे वही आपको यहाँ पे नीचे डालना ताकि ये एम पिन कन्फर्म हो जाए। चलिए यहाँ पर मैं एम पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे सेट एम पिन पर क्लिक करना है। सेट एम पिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपके पास यहाँ पे जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है इस पर एक आप ओ टी पी सेंड किया जाएगा, वो ओ टी पी का आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 27 16 84। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, देखिए यहाँ पे पूरा रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। अब इसको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, जो एम पिन वहाँ पे आप बना तो वही एम पिन आपको यहाँ पे डालना ताकि आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। देखिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिन डालते लॉगिन हो जाएगा। देखिए इसमें आपको पैसा जमा करने के लिए आपको दो प्रोसेस यहाँ पे मिलता है। आपको अपने ब्रांच जाना पड़ेगा जहाँ पर आप खाता ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से जाकर पैसा डलवा सकते हैं। दूसरा आप अपने मोबाइल से पैसा डाल सकते हैं, फ़ोनपे से, पेटीएम से, यहाँ से किसी डाल सकते हैं। अब इसको देखिए आप यहाँ पर सेंड मनी पे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आएगा, फ़ंड ट्रांसफ़र मिल जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे मनी बेनिफिशरी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारा क्यूआर कोड मिल जाएगा, ट्रांसफ़र यूपीआई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले आप यूपीआई बनाएंगे तभी आप पैसा कहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ट्रांसफ़र आप पैसा तभी करेंगे, आपका केवाईसी आपको जाकर ब्रांच जाकर केवाईसी करना पड़ेगा, केवाईसी कराएंगे तभी आप कहीं पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते। अगर आप एक साल के अंदर में केवाईसी नहीं करा सकते हैं तो आपका अकाउंट वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक साल के अंदर बंद हो जाएगा। अगर एक साल से पीछे आप एक अकाउंट को केवाईसी करवा लेते हैं तब आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, तो आप कहीं भी केवाईसी करवाते हैं कहीं भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। देखिए ये ऑप्शन ही आपको मिल गया। देखिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे पे बिल्स मिल जाएगा, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटी रिचार्ज कर सकते हैं, पानी का बिल, बिजली, लैंडलाइन सब रिचार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट आपको जितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते वो पैसा बैंक में पहुँचा नहीं है, जो रिक्वेस्ट रहेगा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ भीम यू पी आई आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सर्विस पे क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये सारा सर्विस का आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। देखिए और भी चीज़ मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए सर्विस यहाँ पे अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज एम पिन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, सर्विस ये आपको यहाँ पे बिल्स का ऑप्शन, प्रोफाइल पे प्रोफाइल डिटेल्स पे जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आपको अपना आपका अकाउंट नंबर शो कर जाएगा, आपके बैंक के साथ कौन सा मोबाइल नंबर है 4 डिजिट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, आपका कौन सा एड्रेस दिए है आधार कार्ड में वो एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम से ये अकाउंट है इसका उस व्यक्ति का नाम ऊपर में शो कर जाएगा, कस्टमर आईडी इसके नीचे में शो कर जाएगा, ये सब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको देखिए जितना पैसा आप जमा करेंगे इसमें अकाउंट में सब आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट देखिए यहाँ पे इस पर आपको शो कर जाएगा, और जब कितना पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं जो करते हैं यहाँ पे व्यू एस्टीमेट इसका निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे साइड में एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, आप क्यूआर के कोड से मदद से आप किसी को
पैसा ट्रांसफ़र यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। जितना आपका पैसा जमा होगा सब आपको यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ से नीचे आपको देखिए टोल फ्री, आप कोई भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट में आती है कस्टमर केयर से बात करके ये यहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट रहेगी सब आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन कॉन्टेक्ट के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप भीम UPI के द्वारा कर सकते। भीम UPI पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा तभी ये ट्रांसफ़र कर सकते। जब तक आपका KYC पूरा नहीं होगा तब तक आप पैसा कहीं भी बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको KYC पूरा फुल हो जाएगा तभी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते, आपके अकाउंट ओपन रहेगा वहाँ पे। अगर एक KYC एक साल के अंदर में नहीं कराते आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करा नीचे।